अब गीत गवा रहे तो पहले दादू साके आए हैं थाली रखने के लिए जी महाराज के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय राजस्थानी फैमिली ब्लॉग। और आज है गुरुजी आएंगे तो अब दसवटन हो गया, कल होगा दसवटन, आज गुरुजी आएंगे, सत्संग वगैरह होगी। और आज दशा माता का व्रत भी है तो सब दशा माता की कहानी वगैरह सुन रहे हैं। काफ़ी मेहमान आ भी गए हैं, जीजीर भाभी सार भाई सार मासी जी आए हैं, उन सब के व्रत है तो सब कहानी वगैरह सुन रहे हैं। और दशा माता का जो डोरा होता है वो पहले ही बना लिया था सब ने, तो आज अभी कहानी सुनेंगे और जोत में से डोरा निकालेंगे। और अभी तो मोली वगैरह तिलक वगैरह सब लगा रहे हैं और जो झूला वगैरह डालते हैं दशा माता के वो सब डाल रहे हैं, सब पूजा की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, फिर कहानी सुनेंगे। और आज के दिन हमारे घर की तरफ से पापा जी गीत गवाएंगे, पोते के होते हैं ना वो वाले गीत वगैरह गवाएंगे। उसके बाद में शाम को गुरु जी वगैरह आएंगे, वो सब मैं आपको आज पूरे ब्लॉग में शेयर करूँगी, तो वीडियो में बने रहेगा पूरे में। और वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। और मैंने वॉल्यूम इसलिए नहीं लिया क्योंकि पास में मंदिर है तो भजन वगैरह चल रहे, तो इसलिए अच्छे से आवाज़ भी नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने इसकी अलग से रिकॉर्डिंग की। और अब जीजी कहानी सुना रहे हैं सबको। कहानी सुन रहे तो मेरे मैं तो नहीं करती हूँ, तो दशा माता के बाद जीजी भाभी सार करते हैं, वो सब अभी कहानी सुन रहे हैं, उसके बाद में करेंगे गौर की पूजा। और आज के दिन क्या क्या हो गया वो सब मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और मेहंदी मैंने रात को लगाई थी, दोनों हाथों के लगाई थी। और फिर गुरुजी भी आएंगे शाम तक, और कल होगा दसवटन का प्रोग्राम, आज गुरुजी आएंगे तो जागरण होगा, सत्संग करेंगे, तो सब मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और आप भी ब्लॉग में एंड तक बने रहेगा कि क्या क्या होगा वो सब। अब सुनता जी जी और बच्चे बैठे हैं पास में, सुनता जी जी कर रही है बता सफेद लगे हुए, इसको पता से खाने गए, घाल रही थी, ओ घाल रही थी, मैं सुनी जो खा रही थी। क्या हुआ? कोई बात नहीं, अब और दे, और देंगे ना, अभी देंगे मासी जी देंगे। अभी तो फिर करूं तो नहीं बेटा, गौरव को नींद आके रखी है, इधर भाभी सब मोट साली कर रहे हैं छोटे वाले, और भाई सब पहन रहे हैं अभी डोरा। सब बच्चे खेलने में लगे हुए, इसको देखिए, ये सेंडर है, जूते बज रहे हैं, साथ में डांस हो रहा है। और पीछे की साइड बन रहा है खाना, गीत गवा रहे तो पहले दादू साके आए हैं थाली रखने के लिए पितर जी महाराज के, फिर सबको बांटेंगे। पापा जी की तरफ से गीत गवा रहे पोते के, तो पहले दादू साके रखेंगे उसके बाद में सबको बांटेंगे। और यहाँ पर सब टेंट वगैरह, शाम को सत्संग होगी तो इसलिए टेंट वगैरह सारा तन गया। और अब जाते हैं वापस घर पर, कहाँ चले घर पर, अच्छा है ना भी, यहाँ पे कोई नहीं है, सब घर पे ही है, चलो तो घर पे चलते हैं। हेलो गाइस, अब सब बातें कर रहे हैं इधर जीजी, ये मेरे दोनों भाई साहब बैठे हैं, उधर मेरे मासी जी बैठे हैं तीनों, काकी साहब, यहाँ पे बहुत खास मीटिंगें चल रही है। और इधर कृष्णा लगा रही है मेहंदी, अब गुरुजी आ गए और अब करेंगे गुरुजी का स्वागत। इसे
महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अब गुरुजी ने तो भोजन कर लिया और गुरुजी के भोजन करने के बाद में फिर हम सब ने खाना वगैरह खाया और अभी सब ने खा लिया और अब हम भाभी सार जीजी हम सब बैठे हैं और मैं बैठी थी खाना खाने की। ये देखिए प्रज्ञान उठ गया, मेरी गोद में बैठा था और काव्या मम्मी जी के पास में थी, क्यों मम्मी जी भी आए हैं यहाँ पर, तो काव्या तो बस मेरे पास में फिर रही नहीं, मम्मी जी के पास में थी, उनके पास में रह रही थी और प्रज्ञान मेरे पास में ही था और मम्मी जी सब गए हैं। अब सत्संग शुरू हो गई है तो सब सत्संग सुनने के लिए गए हैं और हम खाना खा रहे हैं, फिर उसके बाद में जाएंगे और आप भी ब्लॉक में बने रहिए। शरीर चेतन आत्मा ऐसी गांठ वाली, ऐसी गांठ घुड़ी है और गांठ की विद्या सत्य नहीं है, फिर भी कुछ भी दूर हो गए दया परी।